नमस्कार, मैं रवि शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अगले वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के। अभी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में बेंडिंग और मोमेंट सीख रहे हैं और अभी हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस दिए गए डायग्राम में ये पर्टिकुलर जो एक्सिस है, ये पर्टिकुलर जो हमारा है, ये मोमेंट, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है, ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको स्पष्ट रूप से दिखाया था ड्राइंग के थ्रू और 3D भी ड्रॉ करके कि किस तरीके से जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होती हैं, और हमने एक पेन हार्ड डिस्क के एग्जांपल से भी आपको दिखाया था। मान लीजिए ये हमारी एक हार्ड डिस्क है, तो इसकी तीनों डायमेंशन हैं, ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी मोटाई होगी। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई। जो एक्सिस लंबाई के अलोंग है वो हमारी हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए ये एक्सिस जो है ये लंबाई के अलोंग है, इस तरीके से एकदम मिड में से होके जाएगी ये एक्सिस, तो ये वाली जो एक्सिस है ये इसकी होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जेड जेड एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस कौन सी होगी, ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस होगी, ये जो रिफिल है जिटर पेन की, ये हमारी दिखा रही है एक्स एक्स एक्सिस को। ठीक है, और वाई वाई एक्सिस ड्रॉ कर कौन सी होगी, वाई वाई एक्सिस होगी वर्टिकल, ये तीसरी एक्सिस होगी वाई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस तो क्रॉस सेक्शन में है और जेड जेड एक्सिस इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है और लंबाई के अलोंग है इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब हमें तीनों एक्सिसें दिख गई होंगी। और तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी तीन डेफिनेशंस हैं, बेंडिंग मोमेंट की, क्या ये उसे सेटिस्फाई कर रही हैं, ये पर्टिकुलर मोमेंट, एम मोमेंट, यदि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है उन तीनों डेफिनेशंस को, तो ये कैसा है, तो फिर ये बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन ऑफ, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कपल का प्लेन कौन सा है। तो हम देख सकते हैं ये जो कपल M है, ये कपल M का प्लेन इस कागज का प्लेन है, ये कागज के प्लेन में ही ये M कपल कार्यरत है इस तरीके से। ठीक है, तो प्लेन ऑफ द कपल कैसा है, प्लेन ऑफ द पेपर। सो प्लेन ऑफ द कपल इज प्लेन ऑफ पेपर, एंड आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आल्सो लाइज इन दिस प्लेन। ठीक है, और क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस प्लेन में लाई कर रही है, इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है? हाँ, यदि हम इस पर्टिकुलर केस में देखें, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है इस कागज के प्लेन में। आइए हम इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, और तो अब इस पर कपल किस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से। मान लो कि मैं इसको मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इस तरीके से कपल लग रहा है। ठीक है, है ना, और हमारा तो यदि हम सामने से देखें तो ये हमारी हार्ड डिस्क है और इसमें जो है कपल हमारा इस तरीके से लग रहा है क्लॉकवाइज, मतलब कि हम इस तरीके का कपल लगा के इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी हमारी ये है। तो एक प्लेन, ये वाला प्लेन, जैसे कि मेरा हाथ एक प्लेन है, ये वाला हाथ, मेरी हथेली एक प्लेन है जो कि इसके बीचों बीच से होकर गुजर रहा है,
इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से गुजर रहा है और इसके एकदम मिड से गुजर रहा है ये मेरा प्लेन इस तरीके से। और हम देख सकते हैं ये जो मेरा जो ये वाला जो मेरा हाथ का जो प्लेन है इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहा है और कपल भी इसी प्लेन में है ना, ये कपल किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, कपल इस तरीके से हमने लगाया था और ये इस तरीके से है ना। तो ये मेरा जो हाथ है इस पर्टिकुलर प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी पास हो रही है और कपल भी पास हो रहा है। यदि हम इस कागज पे समझना चाहें तो कागज पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कागज का प्लेन है इस कागज के प्लेन में ही तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और कागज के प्लेन में ही ये मोमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों इसी कागज के प्लेन पे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो पहली शर्त है बेंडिंग मोमेंट की वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं प्लेन ऑफ द कपल इच प्लेन ऑफ पेपर एंड आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आल्सो लाइज इन दिस प्लेन, किस प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर में। सो प्लेन ऑफ कपल इज पासिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। सो प्लेन ऑफ कपल इज पासिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सो दिस कपल इज बेंडिंग कपल। तो हमारी पहली कंडीशन यही थी कि प्लेन ऑफ कपल इज पासिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। देखिए हमारी हमने जो डेफिनेशन बताई थी वो यही थी, ए कपल इज सेड टू बी ए बेंडिंग कपल व्हेन प्लेन ऑफ द कपल इज पासिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो हम ये देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ कपल जो है वो पास हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोबारा, प्लेन ऑफ कपल कागज का प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर है और ये भी प्लेन ऑफ पेपर है। तो प्लेन ऑफ कपल जो है पास कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, प्लेन ऑफ कपल कौन सा है, प्लेन ऑफ पेपर कागज का प्लेन। तो कागज का प्लेन इससे पास हो रहा है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसी कागज के प्लेन में है, तो इसलिए यह कपल कैसा है, बेंडिंग कपल है। कैसा ये कपल, बेंडिंग का है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है पहली शर्त हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि प्लेन ऑफ द कपल इज पासिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। आइए अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या यह कपल सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। सेकेंड केस में यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। क्या मैं ये बात समझ में आ रही है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है और यदि हम इसके क्रॉस सेक्शन के प्लेन की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए इसकी लंबाई मान लो एल है, तो यदि हम एल डिस्टेंस, ये फिक्स एंड से एल डिस्टेंस पे, यदि हम इसका फिक्स एंड से एल डिस्टेंस पे, फिक्स्ड एंड से यदि एल डिस्टेंस पे हम यदि इसका क्रॉस सेक्शनल प्लेन देखना चाहें तो ये होगा, ठीक है। जैसे कि मेरी हथेली है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लेन हो गए, पहला प्लेन तो ये कागज का प्लेन था और दूसरा प्लेन ये मेरी हथेली है, ठीक है। ये भी एक प्लेन है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये दूसरा प्लेन हो गया। और हम देख सकते हैं कि दोनों प्लेन एक दूसरे के लंबवत है, ये जो पर्टिकुलर प्लेन है हमारा ये इस प्लेन के कैसा है, लंबवत है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर यहाँ पे, ठीक है। सो प्लेन ऑफ दिस कपल आल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो क्या 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 कह सकते हैं हम कि
कपल का प्लेन जो है वो क्रॉस सेक्शनल प्लेन के लंबवत है, ठीक है। सो दिस कपल इज बेंडिंग कपल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में अभी भी नहीं आया है तो हम एक बार और आपको हमारे अगले वीडियो लेक्चर में इस पर बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको और अंडरस्टैंड कर सकते हैं।